हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। फार्मा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रिवीजन क्लासेस 1 एंड 2 कंप्लीट कर दी है टैबलेट डोसेज फॉर्म की। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ओके। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग टू टैबलेट डोसेज फॉर्म, ओके, जो कि किसी भी तरीके के फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर। तो पहले आप वो वीडियो रिवीजन क्लासेस के नोट्स देखें एंड देन आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ कि सारे एमसीक्यूज़ आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो आइए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट रिफर्स टू, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का टैबलेट पर उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ए पिकिंग, बी मॉटलिंग, सी कैपिंग एंड डी स्टिकिंग। ये सारे क्या हैं, इसके ऑप्शन हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी मॉटलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करना है एंड जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है एंड यहाँ पर आपको पी क्यू आर एस दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट क्या है, कैपिंग, नेक्स्ट है लेमिनेशन, थर्ड है मॉटलिंग, फोर्थ है स्टिकिंग एंड इसके स्पेसिफिक ऑप्शन दिए हुए हैं, सेपरेशन ऑफ अ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर पी, नेक्स्ट क्यू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट, नेक्स्ट आर सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी एंड नेक्स्ट एस एडरेंस ऑफ द टैबलेट मटीरियल टू द डाई वॉल। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 2P, 3Q, 1R एंड 4S। ऑप्शन बी है 1P, 2Q, 3R, 4S एंड ऑप्शन सी है 3P, 1Q, 2R, 4S। नेक्स्ट है ऑप्शन डी 4P, 1Q, 3R एंड 2S। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 2P, दैट इज लेमिनेशन रिफर्स टू पी। लेमिनेशन में क्या होता है, जो हमारी टैबलेट की जो लेयर होती है वो टू और मोर लेयर में क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्यू मॉडलिंग। तो मॉडलिंग का ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का टैबलेट पे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट कैपिंग रिफर्स टू आर, मीन्स कैपिंग में क्या होता है, जो टैबलेट का जो क्राउन टॉप और बॉटम होता है उस वो क्या होते हैं, बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। एंड फोर्थ का क्या है, एस मीन्स इसमें क्या होता है, जो भी टैबलेट मटेरियल होते हैं वो डाईवॉल से अधेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकिंग। स्टिकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए इज एक्सेसिव मॉइस्चर, ऑप्शन बी इज लो मॉइस्चर, ऑप्शन सी इज बोथ मीन्स एक्सेसिव मॉइस्चर प्लस लो मॉइस्चर और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एक्सेसिव मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज अ फर्स्ट हाई शीर पाउडर ब्लेंडर और मिक्सचर। तो कौन सा एक मिक्सचर है आउट ऑफ द फॉलोइंग जो फर्स्ट हाई शीर पाउडर ब्लेंडर और मिक्सर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ए डायोसोना मिक्सचर, बी लिटिल फोर्ड लॉजी मिक्सचर एंड सी प्लो मिक्सचर एंड डी ग्रेल मिक्सर। तो द करेक्ट आंसर इज बी लिटिल फोर्ड लॉजी मिक्सचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डोज ऑफ द ड्रग इज इनएडिक्वेट देन इट जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग वन टू मेक अप इट्स बल्क। तो अगर हमारे ड्रग का जो डोज है वो इनएडिक्वेट है तो हम किसकी मदद से उसके बल्क को इंक्रीज करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या है, ए बाइंडर, बी डिसइंटीग्रेंट, सी लुब्रिकेंट, डी डाइल्यूएंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज डाइल्यूएंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज।
तो फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली डाइलुएंट कौन सा यूज़ किया जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए? तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट डेक्सट्रॉन, ए बी लैक्टोस, सी एमसीसी दैट इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस, नेक्स्ट डी स्टार्च। तो कौन सा है ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज बी लैक्टोस। क्वेश्चन नंबर 7, अनहाइड्रस लैक्टोस हैज द एडवांटेज ओवर हाइड्रस लैक्टोस। अनहाइड्रस लैक्टोस का एडवांटेज क्या है हाइड्रस लैक्टोस पर, इसको आपको पता करना है। फर्स्ट क्या है? ए इम्प्रूव फ्लो, बी एब्सेंस ऑफ मेलार्ड रिएक्शन, सी इम्प्रूव कंप्रेसिबिलिटी एंड डी हाई माइक्रोबियल लोड। सो द करेक्ट आंसर इज एब्सेंस ऑफ मेलार्ड रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है अनहाइड्रस लैक्टोस में क्या होता है मेलार्ड रिएक्शन का एडवांटेज होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियली अवेलेबल स्टार्च प्रोडक्ट। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टार्च प्रोडक्ट है जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए स्टार्च आरएक्स 1500, बी क्ल्यूटैब, सी एमडेक्स एंड डी शुगर टैब। तो करेक्ट आंसर इज शुगर टैब डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक एडेसिव। कौन से हैं जो सिंथेटिक एडेसिव हैं? ठीक है, सो फर्स्ट आपका ऑप्शन है पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन पीवीपी, बी है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोस एमसीसी, नेक्स्ट है सी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोस एचपीएमसी एंड नेक्स्ट डी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोस एचपीसी। सो द करेक्ट आंसर इज ए पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन दैट इज पीवीपी। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट। सो इनमें से कौन सा है जो वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट है? तो आपके ऑप्शन आते हैं फर्स्ट ए स्टीरिक एसिड, बी मिनरल ऑयल, सी पीजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड डी मैग्नीशियम स्टीरेट। तो द करेक्ट आंसर इज पीईजी दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। सो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्वीटनर सैक्रिन। तो ये क्वेश्चन जो था वो 2020 में पूछा गया था। सो सी दी एमसीक्यूज की इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं पी क्यू आर एस एंड आपको इनमें से कोई दो ऑप्शन करेक्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सेकेंड ऑप्शन में ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है स्वीटनर एंड सैक्रिन के बीच में। तो फर्स्ट पी है इट इज़ 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज बट इट इज़ कार्सिनोजेनिक। ये 500 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से एंड बट ये क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या है ये कार्सिनोजेनिक है। नेक्स्ट क्यू ये भी क्या कहता है क्यू ऑप्शन कि ये भी 500 टाइम्स स्वीटर है बट ये इसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है। नेक्स्ट आर ऑप्शन इज ये सुक्रोज से स्वीटर है बट ये सेफ है। नेक्स्ट एस में क्या है ये सुक्रोज से स्वीटर है जो हमारे सैक्रिन है वो स्वीटर है बट ये अनस्टेबल होता है। तो आपके ऑप्शन है पी एस, बी है पी आर, सी है पी क्यू, डी है आर एस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पी क्यू दैट इज इट इज़ 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज बट इट इज़ कार्सिनोजेनिक एंड क्यू एस इट इज़ 500 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज बट इट हैज़ अ बिटर टेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है एरसोइल इज यूज एज, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? तो ए ग्लाइडेंट, बी ल्यूब्रिकेंट, सी एंटी एडरेंट एंड डी नन। इनमें से कोई भी नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ग्लाइडेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, टैबलेट्स विच आर प्लेस बिटवीन चीक्स एंड टीथ आर नोन एज। ऐसी टैबलेट जिनको हम चीक्स एंड टीथ के बिटवीन प्लेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बकल टैबलेट, बी सबलिंगुअल टैबलेट, सी लोजेंजेस, डी ट्रोचेस।
तो द करेक्ट ऑप्शन इज बकल टैबलेट्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हाईलाइट दिस नॉट करेक्ट, कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है. सो फर्स्ट ए, बकल रूट्स अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इज इट करेक्ट. सी नेक्स्ट इज बी, पेरेंट्रल रूट अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है. नेक्स्ट सी, सबलिंगुअल रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड द ओरल रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओरल रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. बिकॉज बकल रूट में तो कहाँ से होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है अवॉइड करता है, पेरेंट्रल भी अवॉइड करता है एंड सबलिंगुअल भी अवॉइड करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. सो यहाँ पर क्या करना है, मैच द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द टैबलेट एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट. यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं और उनका पर्पस दिया हुआ है, आपको क्या करना है मैच करना है एंड जो उनका करेक्ट सेट ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है. सो फर्स्ट क्या दिया है, ग्लाइडेंट, नेक्स्ट है डाइल्यूएंट, नेक्स्ट है एंटी एडरेंट, सॉरी एडरेंट, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट. सो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस, पी प्री जिलेटिनाइज स्टार्च, नेक्स्ट क्यू पायरामाइन, नेक्स्ट है आर कोलोइडल सिलिका, एस कैल्शियम सल्फेट एंड टी सोडियम एल्जिनेट, ठीक है. सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए 1R, 2S, 3P, 4T, बी 1S, 2R, 3Q, 4P, सी 1R, 2S, 3T एंड 4Q. द नेक्स्ट ऑप्शन इज डी 1Q, 2T, 3R एंड 4P. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट मीन्स 1R, कोलोइडल ग्लाइडेंट, कोलोइडल सिलिका, ठीक है. नेक्स्ट 2S, डाइल्यूएंट विद कैल्शियम सल्फेट एंड 3P, एडरेंट विद प्री जिलेटिनाइज स्टार्च एंड 4T मीन्स डिसइंटीग्रेंट विद सोडियम एल्जिनेट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, एंट्रिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग, ऑप्शंस आर ए HPMC दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, देन बी CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड सी CAP कैप. कैप स्टैंड फॉर सी फॉर सेलुलोज, ए फॉर एसीटेट एंड पी फॉर पिथालेट, ओके. सो कैप नेक्स्ट, डी इज पोविडोन. तो इसमें से करेक्ट क्या है, हमें जो एंट्रिक कोडिंग है वो किससे मिलती है, सो कैप, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज, जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है शुगर कोटेड टैबलेट का वो कितना है. सो ऑप्शंस आर ए 30 मिनट्स, बी 45 मिनट्स, सी 60 मिनट्स एंड डी 75 मिनट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 60 मिनट्स, सी. क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्लो रेट ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, जो फ्लो रेट है ग्रैन्यूल्स से, ग्रैन्यूल्स का हॉपर से, तो वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किसे ऐड करेंगे तो जो उसका फ्लो रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो द ऑप्शंस आर ए डिसइंटीग्रेंट, बी ग्लाइडेंट, सी बाइंडर एंड डी ल्यूब्रिकेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्लाइडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर इक्विपमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट PT, ओके. मैच देम एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पर क्या है, आपको इक्विपमेंट दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट दिए हुए हैं एंड उनके प्रोडक्ट दिए हुए हैं. सो आपको क्या करना है, उनको मैच आउट करना है. सो ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिनासी, नेक्स्ट इज हेपा फिल्टर, नेक्स्ट है चिल्सोनेटर एंड नेक्स्ट इज एसिला कोटा. सो इसमें P2R दिया हुआ है, P क्या है टैबलेट ग्रैन्यूल्स, नेक्स्ट Q टैबलेट कोटिंग, नेक्स्ट R इमल्शन, S इंजेक्टेबल्स एंड T कैप्स्यूल.
So the correct option is A. 1T means Zinasi goes with T capsule. Next, 2. HEPA filter goes with injectables. 3. Chilsonators goes with tablet granules. And 4. Q means Acyla Cota will go with tablet coating. So the next question is question number 20. Match the ingredients according to their purpose in the formulation and find out the correct set. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो उसके इंग्रेडिएंट दिए हैं, पर्पस दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उसको फाइंड करना है एंड करेक्ट मैच करके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्या दिए हैं, फर्स्ट फिल्म कोटिंग, नेक्स्ट सिरप, नेक्स्ट इमल्सिफिकेशन, नेक्स्ट एंट्रिक कोटिंग फूड. एंड पी क्यू आर एस में क्या है, पी सोडियम बेंजोएट, क्यू इथाइल सेलुलोज, आर यूड्रागेट, नेक्स्ट एस क्या है, सुक्रोज, एंड टी फॉर सोडियम ओलिएट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 1R, 2S, 3T, and 4Q. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इन शुगर कोटिंग ऑफ द टैबलेट सब कोटिंग इज डन. अब यहाँ पर जब हम शुगर कोटिंग करते हैं टैबलेट की, तो उसमें सब कोटिंग करते हैं, तो सब कोटिंग क्यों करते हैं. सो आपके ऑप्शन है ए टू प्रिवेंट मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन, बी टू राउंड द एज एंड बिल्ड टैबलेट साइज, एंड सी टू स्मूथ इन द सर्फेस, डी टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी टू राउंड द एज एंड बिल्ड टैबलेट साइज. यहाँ पर हमने डिस्कस किया था टैबलेट कोटिंग में कि इसकी ये 50-100% क्या करता है, टैबलेट के साइज को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. सम पॉसिबल कॉजेस आर मेंशन इन द पीटी फॉर द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द फिल्म कोटिंग ऑफ द टैबलेट. सो फिल्म कोटिंग में जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कॉजेस दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, मैच करना है एंड करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सो फर्स्ट क्या है, चिपिंग, सेकेंड इज क्रैकिंग, थर्ड इज ऑरेंज पील, एंड फोर्थ इज ब्लिस्टरिंग. सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं पी पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग, क्यू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग, आर हायर इंटरनल स्ट्रेस इन फिल्म एज एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस, एंड द टी इज प्रिसिपिटेशन ऑफ पॉलीमर ड्यू टू हाई टेम्परेचर और पुअर सॉल्वेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1S मीन्स चिपिंग गोज विद एस एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज 2 गोज विद आर मीन्स क्रैकिंग गोज विद हायर इंटरनल स्ट्रेस इन फिल्म. नेक्स्ट थर्ड ऑरेंज पील गोज विद पी पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. नेक्स्ट 4 ब्लिस्टरिंग गोज विद Q ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट. सो ऑप्शंस आर ए टू इंक्रीज द बल्किनेस, बी टू अवॉइड डिटेरियेशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, नेक्स्ट सी टू प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, एंड नेक्स्ट इज डी टू अवॉइड स्टिकीनेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू इंक्रीज द बल्किनेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. द फॉलोइंग इंग्रीडियंट आर कॉमनली यूज एज कोटिंग एजेंट्स फॉर द फिल्म कोटिंग एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा इंग्रीडियंट है जो फिल्म कोटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शन क्या है, कैप. नेक्स्ट इज बी कार्नोबावैक्स, एंड नेक्स्ट इज सी एच ई सी हाइड्रोक्सी इथिलीन सेलुलोज, एंड डी सोडियम सी एम सी दैट इज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्नोबावैक्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25.
The ingredient mentioned in PS are used in various stages of sugar coating of the tablet. तो यहाँ पर PS में जो दिए हुए हैं ये sugar coating के लिए के ingredient है जो use किए जाते हैं. Match them and find out the correct answer. अब आपको क्या करना है, match करना है correct answer को, find out करना है. तो यहाँ पर first दिया हुआ है seal coating, second दिया हुआ है sub coating, third दिया हुआ है syrup coating and fourth दिया हुआ है polishing. ये सारे क्या है, इसके step है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है इनके ऑप्शन P2S. फर्स्ट है जिलेटिन, नेक्स्ट है क्यू कार्नोबावैक्स RPEG दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 4000 एंड S इज केन शुगर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1S मीन्स सील कोटिंग गोज विथ केन शुगर. ओके, सो नेक्स्ट इज 2P सब कोटिंग, सब कोटिंग गोज विथ जिलेटिन. नेक्स्ट थर्ड सिरप कोटिंग, सिरप कोटिंग गोज विथ RPEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 4000 एंड नेक्स्ट इज पॉलिशिंग, पॉलिशिंग गोज विथ क्यू दैट इज कार्नोबावैक्स. ओके, सो हियर वी हैव बीन, सो स्टूडेंट हियर वी हैव बीन कंप्लीटेड दी ऑल दी इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू टैबलेट डोसेज फॉर्म. तो जितने भी टैबलेट डोसेज फॉर्म के MCQs थे, इंपॉर्टेंट MCQs, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके. स्टूडेंट्स होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी आर रेडी टू आंसर. ओके, सो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.